सो हेलो गाइस, केम छो, नमस्ते, वनिकम, सत श्री अकाल, सलाम। तो अभी तक आप लोग को पता लग चुका होगा कि ज्ञान गेमिंग यानी कि ज्ञान सुजन की चैनल हैक हो चुकी है। तो देखो, ये चीज का अगर आपको नहीं पता लगा है तो मैं बता देता हूँ। अगर अभी आप YouTube के ऊपर सर्च करोगे ज्ञान गेमिंग चैनल, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। आप सर्च करके देख सकते हो, क्योंकि भाई चैनल हो चुका है टर्मिनेट यानी कि हो चुका है चैनल डिलीट। किन रीजनों की वजह से हुआ, क्या कुछ हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा। इस चीज को लेके कुछ लोगों का ये कहना है कि ज्ञान भाई ने ये चीज जानबूझ के करा है, पता नहीं, मतलब कि या तो प्रैंक करने के लिए या फिर पब्लिसिटी के लिए। कुछ लोगों का ये कहना था, मैं लाइव चैट उधर देख रहा था, कि अज्जू भाई ने दिया है ज्ञान भाई को स्ट्राइक। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी क्रिएटर किसी दूसरे क्रिएटर को बिना किसी रीजन के वजह से स्ट्राइक नहीं दे सकता है। मतलब उसके अंदर इतना पावर नहीं होता, चाहे तो उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो या 100 मिलियन, ठीक है। तो ये कहीं से पॉसिबल नहीं कि अज्जू भाई ने स्ट्राइक दिया हो। दूसरी चीज़ कि इतनी बड़ी चैनल है ज्ञान भाई की, इतनी अच्छी खासी चैनल है, उनको ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों को करने। तो देखो, चैनल उनकी सच में हैक हुई है, किस चीज की वजह से हुई है, क्या कुछ हुआ है उनके चैनल के साथ, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो ये देखो, आपके स्क्रीन पे वीडियो दिख रहेगी, यही वो स्ट्रीम हुआ था। बेसिकली ये सारी स्ट्रीम होती है कार्डिंग्स एंड जो बिटकॉइन होता है उससे रिलेटेड, ये चीज जो हैक करते हैं उसके बाद वो बिटकॉइन का स्ट्रीम कर देते हैं। एंड इसी तरीके से ऑलमोस्ट 99% चैनल डिलीट हो जाती है, क्योंकि बिटकॉइन का स्ट्रीम इलीगल है। यूट्यूब पे स्ट्रीम करना वो आप नहीं कर सकते हो, तो इसी वजह से चैनल टर्मिनेट हो गई है। एंड यहाँ पे अकेले ज्ञान भाई का नहीं हुआ, साथ ही साथ स्नाइपर लॉर्ड की जो एक चैनल थी 1 मिलियन वाली, आप लोग को पता होगा स्नाइपर लॉर्ड कौन है, तो वो भी चैनल अमित गेमिंग नाम की अभी टर्मिनेट हो चुकी है, दोनों की दोनों चैनल। तो मेरे को यहाँ पे क्या लग रहा है, जिसका 90% चांस है कि ज्ञान भाई का PC यहाँ पे हैक हुआ है। क्योंकि देखो, दो चैनल साथ में हुई, ठीक है, हैक, ये चीज़ समझना। और ज्ञान भाई पे क्या था, ज्ञान भाई के पास राइस्टा का चैनल लॉगिन, और भी जितने उनके बंदे हैं इंक्लूडिंग स्नाइपर लॉर्ड एंड अदर्स, इन सब का चैनल लॉगिन था। और स्नाइपर लॉर्ड के पास भी यही चीज़ था कि ज्ञान भाई का चैनल एंड स्नाइपर लॉर्ड का चैनल दोनों लॉगिन था। तो या तो ज्ञान भाई की PC हैक हुई है या फिर स्नाइपर लॉर्ड का, मतलब यही सीन हुआ है। एंड बाकी की चीज़ अगर बात करें, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है वही स्ट्रीम जो कि चल रहा था, और इसी स्ट्रीम को डिलीट करके YouTube ने टर्मिनेट कर दिया है चैनल को। तो बहुत गलत हुआ है यहाँ पे ज्ञान भाई के साथ, क्योंकि ज्ञान भाई, मतलब ऐसा समझ लो ना, ऐसा समझना क्या, वो पहला स्ट्रीमर है फ्री फायर का, पहला ऐसा बंदा जिसने इंडिया में फ्री फायर को खेलना स्टार्ट करा था, मतलब स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी थी। एंड कहीं ना कहीं अगर फ्री फायर यहाँ पे है तो उस बंदे ने भी बहुत कुछ करा है इस कम्युनिटी के लिए। भाई वो पहला बंदा था, पहला स्ट्रीमर था फ्री फायर का इंडिया से। एंड वो बंदा ऐसा है, आप सभी लोगों को पता है, कितने ही लोगों का ज्ञान भाई ने चैनल खड़ा करके दिया है यहाँ पे, कितने लोगों को बनाया स्टार्टिंग से, उसके इतना हेल्पफुल बंदा भाई कोई नहीं कम्युनिटी में। अब मेरे को देखो नाम गिनाने की ज़रूरत नहीं है कि किस किस का उन्होंने हेल्प करा, बट फिर भी अब मेरा क्या सीन था, ज्ञान भाई के साथ हो गया था लड़ाई किस टाइम पे, आप लोग जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, जब श्रेय वाईटी वाला सीन हुआ था, जिसमें मैंने श्रेय वाईटी का सपोर्ट लिया था। ऑब्वियस सी बात है, देखो जो गलत होता है वो गलत है मेरे लिए, जो सही होता है वो सही है, चाहे मेरा अपना ही कोई क्यों ना हो। तो इसी वजह से मैंने ज्ञान भाई को उस टाइम थोड़ा बुरा भला बोल दिया था, तो उस टाइम से हमारी बातें नहीं होती है, लेकिन फिर भी यार जहाँ पे वो बंदा अच्छा है वो चीज़ तो मैं बोलूँगा। एंड तुम लोग को अगर याद होगा तो पहले ज्ञान भाई गिल्ड वार टूर्नामेंट ये सब करवाते थे, तो उसमें अपन खेलते थे साथ में, और ज्ञान भाई मेरे क्लोज भी थे, मतलब बातें बहुत सारी होती थी, क्योंकि वो बंदा यार एक तरीके से बहुत बढ़िया बंदा है, ठीक है। मतलब उस बंदे ने जितना हेल्प करा है लोगों को, और जितना हेल्पफुल नेचर है उसका, भाई इतना हेल्पफुल नहीं होता है भाई, बहुत कम बंदों का नेचर होता है। राइस्टार और ज्ञान सुजन, मैं हमेशा से बोलता हूँ, दोनों बहुत बढ़िया बंदे हैं। एंड आई होप कि ज्ञान भाई के चैनल यहाँ पे जल्दी से वापस आ जाए। एंड अभी देखो, आप लोग में से बहुत लोगों का ऐसा होगा कि भाई हमारी छोटी चैनल, क्योंकि आप में से बहुत लोग यहाँ पे यूट्यूब होंगे, तो आप किस तरीके से सेफ रख सकते हो अपने चैनल को। तो देखो, एक ऐसे करके आता है सिक्योरिटी की करके, उसका नाम होता है, ठीक है, आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, यहाँ पर रेट देख लो 4K अप्रोक्स आपको पड़ेगा। इसमें 2-फैक्टर ऑथेंटिकेटर होता है जो आपके चैनल को, मतलब 110% की इसका यूज करोगे तो आपका चैनल हैक नहीं होगा, बस इसको संभाल के रखना होता है आपको, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आ तो जाता है बट थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो यही है। तो इसका यूज कर अगर, आई डोंट नो ज्ञान भाई क्यों नहीं यूज करते थे, क्योंकि इतनी बड़ी चैनल है तो करना चाहिए इन सारी चीज़ों का यूज। तो जिनकी छोटी चैनल है, जिनको इन सब चीज़ों का डर रहता है, वो करो, नहीं तो एक और चीज़ कर सकते हो आप अपनी, देखो दो फोन रखो, एक जिसमें कि आप जो नॉर्मली चीज़ें करते हो वो करो, दूसरा फोन जिसमें आप अपना जो मेन
मेन चैनल है वो लॉगिन करके रखो, एंड उससे कोई भी आलतू फालतू साइट पे या कोई भी लिंक पे क्लिक मत करो, क्योंकि जब तक आप खुद से लिंक पे क्लिक नहीं करते हो, उल्टी पुल्टी जगह पे नहीं जाते हो, तब तक आपका चैनल कोई हैक नहीं कर सकता है। एंड भाई समझ रहे हो, 10 मिलियन सब्सक्राइबर था उस बंदे का, भाई कोई ऐसा बंदा नहीं हो सकता है जो अपनी चैनल खुद से हाइड कर ले या पब्लिसिटी स्टंट करे भाई 10 मिलियन पे। तो गवार वाली हरकतें मत सोचा करो। एंड अज्जू भाई, भाई कुछ नहीं करे इसमें, भाई अज्जू भाई को क्यों ला रहे हो बीच में यार। तो यही था मेरे को बोलने का, लॉट्स ऑफ लव फॉर ज्ञान भाई, एंड जल्दी से उनकी चैनल वापस आ जाए, बस यही है। अभी आप लोग हेल्प करने के लिए ये कर सकते हो, अपडेटेड रहना, क्योंकि ट्विटर पे ज्ञान भाई पोस्ट करेंगे ही करेंगे, एंड उस चीज़ को रिट्वीट कर देना आप सभी लोग जितना हो सके, क्योंकि रिट्वीट भाई जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी चैनल आएगा। हो सकता है 1 हफ्ते में आ जाए, 10 दिन में आ जाए या 2 दिन में आ जाए, मतलब आ तो जाएगा इतना कन्फर्म। भाई वीडियो अभी तक देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाक से सब्सक्राइब करो, और बेल वाले आइकन को यार चप्पल फेंक के मारो यार, कुछ भी करो लेकिन सब्सक्राइब कर ही। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड इसके तुरंत बाद हम जाने वाले हैं हमारे दूसरे चैनल पे लाइव, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ पे जाके आप आ सकते हो, मतलब मस्त हम अपन साथ में खेलेंगे, बातें सातें करेंगे सब कुछ। एंड यही था यार, बस मैं एक चीज़ बोलूँगा, सावधान रहे, सतर्क रहे। बाय गाइस, लव यू ऑल, स्प्रेड लव।